एन लेक्चर ऑफ क्लास 5, लेक्चर ऑफ साइंस. वी आर रिवाइजिंग द यूनिट नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरे चैप्टर की थ्रू आउट रिवीजन की थी. एफ आस पी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी थी लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वो फर्दर किन ग्रुप्स में डिवाइड हुए, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, मोनोकॉट डाइकॉट का डिफरेंस. अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं. हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स. इसमें इन्होंने पहले वर्टिब्रेट्स के ग्रुप दिए हैं, उनकी आपने करेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल बताने हैं. वन बाय वन इनको करते हैं. बर्ड्स, बर्ड्स में इनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं, विंग्स और इनकी बीक होती है. इनकी होलो बोन्स होती हैं, एयर सैक्स होते हैं, इसकी वजह से इनकी बॉडी का जो वेट है वो लाइट होता है, क्योंकि इन्होंने फ्लाई करना होता है. बर्ड्स जो हैं ये लेग एग ले करते हैं, जिसके ऊपर हार्ड शेल होता है. इसकी एग्जाम्पल है स्पैरो, क्रो, पैरट एक्सेट्रा. नेक्स्ट ग्रुप है रेप्टाइल्स, ये भी वर्टिब्रेट का ग्रुप है, यानी जिसमें बैकबोन होती है. इनकी बॉडी ड्राई, थिक और स्केली स्किन होती है इनकी. ये भी एग ले करते हैं, जिसके ऊपर थिक लेदरी शेल होता है, जो इनके एग को प्रोटेक्ट करता है. रेप्टाइल्स की मोस्टली 4 लिम्स होती हैं, एक्सेप्ट स्नेक. स्नेक में कोई लिम नहीं होती. इसकी एग्जाम्पल है लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास एम्फीबियंस. एम्फीबियन में 4 लिम्स होती हैं. इनकी जो स्किन है वो लूज होती है, वेट होती है. ये अपनी लाइफ वाटर और लैंड दोनों पे स्पेंड करते हैं. मोस्टली ये रहते लैंड पे हैं, लेकिन जब इन्होंने एग ले करना होता है तो ये वाटर की तरफ जाते हैं. इनके जो एग हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इस तरह लगता है जैसे जेली में बीड्स पड़े हुए हैं. एम्फीबियंस की एग्जाम्पल हैं टॉड, फ्रॉग, स्लेमेंडर एक्सेट्रा. इसके बाद वर्टिब्रेट का ग्रुप है फिश. फिश की जो बॉडी है वो फिन्स और टेल्स पे कंसिस्ट करती है, क्योंकि इन्होंने स्विम करना होता है. इनकी बॉडी के ऊपर स्टिफ स्केल प्रेजेंट होते हैं ब्रीथ करने के लिए. ये भी एग ले करती हैं. इसकी एग्जाम्पल हैं रोहू, शार्क एक्सेट्रा.